हेलो स्टूडेंट्स, एक्सलेंस नॉलेज पॉइंट में आपका स्वागत है। तो आज हम आपसे बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक पर बात करने चल रहे हैं। अब बोर्ड परीक्षाएं 18 तारीख से 18 फरवरी से स्टार्ट हो रही हैं, तो आप लोग को इस विषय में हम बताना चाहते हैं कि कैसे आप लोग उत्तर पुस्तिकाओं में जो आंसर शीट होती है उसको कैसे फिल करें सही ढंग से, क्योंकि तमाम बच्चे, तमाम परीक्षार्थी, तमाम वो लोग अपना सही रोल नंबर नहीं भर पाते हैं, सही क्या उनका प्रश्न पत्र नहीं भर पाते हैं, उसका संकेतांक भरने में गलती करते हैं, क्या डेट है, क्या डे कौन सा है, परीक्षा केंद्र का नाम सही ढंग से नहीं भर पाते हैं। इसलिए हम आपको इसी बारे में आइए, जो कि बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है, इसके बारे में बताते हैं कि अपने वीडियो के माध्यम से कैसे आप इसको सही ढंग से भरिए। तो चलिए हम आपको इसके विषय में अब समझाते हैं कि कैसे आप इसको सही ढंग से बनाएं। राइट, तो अब हम आपको बताते हैं कि कैसे आप अपनी कॉपी को सही ढंग से फिल करें। तो आइए आंसर शीट को भरते हैं कैसे। देखिए, सबसे पहले मैं हाई स्कूल के परीक्षार्थियों के लिए बताता हूँ कि अपनी आंसर शीट को, अपनी उत्तर पुस्तिका को कैसे भरें। तो देखिए, सबसे आपके कॉपी में सबसे लेफ्ट कॉर्नर में केंद्र स्थापक की मुहर होगी, वहाँ पर मुहर लगी रहेगी। उसके नीचे आपकी कॉपी में लिखा होगा कि हाई स्कूल परीक्षा उत्तर प्रदेश। उसके बाद परीक्षार्थी उत्तर पुस्तिका के किसी भाग में अपना नाम ना लिखें। आप ये ध्यान रखिए कि आप कॉपी में कहीं भी आपको अपना नाम नहीं लिखना है, कहीं अपना नाम ना लिखें, नहीं तो उससे आपका नुकसान हो सकता है और ये गलत माना जाएगा। इसके बाद पहला आता है, पहला पॉइंट होगा परीक्षार्थी का अनुक्रमान अंकों में। अब आपको अंकों में लिखना है। मान लेते हैं कि आपका अनुक्रमान 2,25,301 है, तो आप इस तरह इसको यहाँ फिल करेंगे इसके सामने। इसके बाद दूसरे टॉपिक पर आइए, परीक्षार्थी का अनुक्रमान शब्दों में लिखा होगा, इसके आगे आप इसको लिखेंगे अपने शब्दों में, जैसे 20 तो 2,25,301। मैं एग्जाम्पल के तौर पर बता रहा हूँ, ये आपका कुछ भी हो सकता है, जो भी आपका रोल नंबर हो, अनुक्रमांक हो, उसको ठीक ढंग से अपने प्रवेश पत्र से मिलान करते हुए इसमें भरिए। इसके बाद तीसरा नंबर आपका होगा विषय एवं प्रश्न पत्र तथा संकेतांक। अब विषय में तीन पॉइंट हो गए, विषय, प्रश्न पत्र एवं अंकित संकेतांक, प्रश्न पत्र पर अंकित संकेतांक। अब मान लीजिए आपका विषय हिंदी का पेपर पहले दिन आपका होगा, तो आप हिंदी लिखेंगे। इसके बाद प्रश्न पत्र, केवल प्रश्न पत्र, क्योंकि अब हाई स्कूल के एग्जाम में सब सिंगल सब्जेक्ट हो, सिंगल पेपर हो गए हैं सारे सब्जेक्ट के, तो आप लिखेंगे केवल। इसके बाद प्रश्न पत्र पर अंकित संकेतांक। अब संकेतांक पेपर के ऊपर अंकित रहता है, जैसे उसमें मान लीजिए हिंदी के लिए है 801, HE सपोज करते हैं लिखा है, तो आप इस बॉक्स के अंदर लिख देंगे। अब जो भी रहे उस समय, जो भी संकेतांक उस पर लिखा रहेगा, उसको आपको यहाँ भरना है। इसके बाद चौथे पॉइंट पे आप आएंगे, परीक्षा का दिन। परीक्षा का दिन मान लीजिए अगर बुधवार है, तो यहाँ पर बुधवार लिखेंगे, जैसा कि इस पर लिखा गया है। इसके बाद जो भी दिन हो, सोमवार हो, मंगलवार हो, बुधवार, बृहस्पतिवार, शुक्रवार, शनिवार, जो भी दिन हो, इस पर आप भरेंगे। अब आइए पांचवा टॉपिक है, परीक्षा तिथि एवं पाली। अब परीक्षा मान लीजिए 18 तारीख को आप दे रहे हैं, तो 18/2/2020 लिखेंगे। अब पाली अगर प्रातः दे रहे हैं तो प्रथम पाली, और शाम को एग्जाम दे रहे हैं तो द्वितीय पाली लिखेंगे। यहाँ पर मैंने पाली छोड़ दिया है, अब जो भी जिस पाली में होगा, प्रातः पाली में होगा तो लिखेंगे प्रथम पाली, और द्वितीय पाली में होंगे तो यहाँ लिखेंगे द्वितीय पाली। इसके बाद छठवें नंबर पर आएंगे, होगा केंद्र का नाम। जिस केंद्र पर आप परीक्षा दे रहे होंगे उसका नाम आपके प्रवेश पत्र पे लिखा होगा, अंकित होगा, तो आप उसमें उसका नाम भरिएगा। जैसे देखिए, हाँ मैंने भर दिया है, भैया राघव राम पांडे स्मारक श्री गांधी विद्या मंदिर इंटर कॉलेज गोंडा, मैंने एग्जाम्पल के तौर पे दिया है। अब जो भी आपका परीक्षा केंद्र होगा, वो परीक्षा केंद्र आप यहाँ पर भर दीजिएगा। उसके बाद सातवां है, संलग्न बी उत्तर पुस्तिकाओं की संख्या, कि कितनी इसके अंदर आपने बी उत्तर पुस्तिकाओं को अपनी अ कापी, ए कापी के साथ में नथी किया है, उसकी संख्या को आप यहाँ भर दीजिएगा। सपोज करिए आपने हिंदी की कापी पे एक
वह उत्तर पुस्तिका ली है तो आप 01 लिख देंगे। फिर होगा परीक्षा कक्ष संख्या, आप जिस कक्ष में परीक्षा दे रहे हैं उस कक्ष उस कमरे की कोई संख्या होगी, 1, 2, 3, 4, 5 जो भी होगा। अगर मान लीजिए सपोज करते हैं कि कक्ष संख्या 4 है तो आप यहाँ लिखेंगे 04, जिससे आपको मालूम हो सके कि आप किस परीक्षा कक्ष संख्या में परीक्षा दे रहे थे। उसके सबसे नीचे होगा कक्ष परीक्षक का पूरा नाम और हस्ताक्षर। यहाँ पर जो भी कक्ष परीक्षक आपके कमरे में आपके परीक्षा हाल में ड्यूटी कर रहे होंगे वो अपना यहाँ पर नाम लिखेंगे और हस्ताक्षर करेंगे, फिर यहाँ पर दिनांक डालेंगे। तो ये हो गया आपका पूरा का पूरा कि कैसे अपनी उत्तर पुस्तिका को आप सही ढंग से फिल करें, क्योंकि इसका बहुत बड़ा प्रभाव होता है। क्योंकि कभी कभी बच्चे अनुक्रमांक लिखने में गलत कर देते हैं, कभी कभी विषय लिखने में गलती कर देते हैं, संकेतांक सही नहीं लिख पाते हैं, दिन का सही नाम नहीं लिखते हैं, तो इससे बड़ी असुविधा होने लगती है। और चूंकि अब जो कापी आ रही है बोर्ड में, जो कापी अब की बार मिलनी है या पहले से भी उस कापियों पर नंबर पड़े होते हैं, उत्तर पुस्तिका संख्या होती है, अगर आपने ये सब खराब कर दिया तो आपकी कॉपी बदली नहीं जा सकती। एक बार जो कॉपी आपको को अलाट हो जाएगी, जो दे दी जाएगी, वो कॉपी वही रहेगी। इसलिए आपसे कहना है या सही ढंग से भरें जिससे कोई दिक्कत ना आए। और इसी के साथ मैं इंटरमीडिएट परीक्षार्थियों के लिए भी कहना चाहता हूँ कि उनकी कापियों में जहाँ हाई स्कूल लिखा है हाई स्कूल परीक्षा, वहाँ पर इंटरमीडिएट परीक्षा उत्तर प्रदेश लिखा हुआ होगा। बाकी सारी चीज़ें ऐसी होंगी, आप परीक्षार्थी का अनुक्रमांक क्या है अंकों में, फिर परीक्षार्थी का अनुक्रमांक शब्दों में, फिर विषय होगा, अब जो विषय उनका होगा वो विषय भर देंगे, फिर प्रश्न पत्र जो होगा, अगर एक ही प्रश्न पत्र है तो लिखेंगे केवल प्रश्न पत्र, अगर दो प्रश्न मतलब सब उस विषय के अगर दो प्रश्न पत्र होते हैं, अगर प्रथम प्रश्न पत्र है तो प्रथम लिखेंगे, द्वितीय होगा तो द्वितीय लिखेंगे। इसी तरह उसमें भी प्रश्न पत्र पर अंकित संकेतांक लिखेंगे, दिन लिखेंगे, परीक्षा तिथि होगी, पाली लिखेंगे, केंद्र का नाम लिखेंगे। सेम यही सब चीज़ इंटरमीडिएट परीक्षार्थियों के लिए भी है। तो अब मैंने आप लोगों को बता दिया है इसलिए आप लोग इसको सही ढंग से पढ़िएगा। इसके साथ ही आप लोगों को मेरी शुभकामनाएं, सही ढंग से पढ़ें, अच्छा मार्क्स पाएं, जिससे आपका आपके परिवार का नाम रोशन हो। ओके, थैंक यू। हेलो स्टूडेंट्स, आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। आप इसको हमारा वीडियो आपको पसंद आया होगा तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट में हमें बताएं। थैंक यू।